दोस्तों, जब से हीरो स्प्लेंडर बाइक BS6 बाइक आई है, या फिर जितने भी कंपनी की बाइक है BS6, तो सभी लोगों का ये कहना होता है, बहुत लोग ऐसे हैं, सभी लोगों का तो नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वो कहते हैं कि यार इसमें तीन प्लग लगे हुए हैं, कोई ये देखते हैं कि इसमें पेट्रोल खोलने के लिए चाबी नहीं है, कुछ से कुछ इस तरह की मन में सवाल होती है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, जो भाई नहीं जानते हैं इस तरह की बातें, तो मैं आपको बता दूँ, ये एक BS6 यानी कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बाइक है, ठीक है। जिस तरीके से हीरो की ग्लैमर बाइक आई थी FI मॉडल में, उसी प्रकार की सभी बाइकें अभी निकल रही है। उसमें सिर्फ सेंसर नहीं था, और उसमें सेंसर लगाया गया है, और उसका काम थोड़ा अलग था, इसका काम बहुत ही अलग, दोनों का काम अलग अलग हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि मतलब जो लोग कहते हैं कि तीन प्लग लगे हुए हैं, तो वो ये देखते हैं कि यहाँ पर जो एक लगा हुआ ये पार्ट, तो उन्हें ये समझ में आता है कि ये भी प्लग है। तो दोस्तों, ये एक प्लग नहीं, ये है मतलब सेंसर, ये एक सेंसर है, जो सेंसर कुछ अलग तरीके से काम करता है। ये चीज़ें मैं आपको सारी बातें नहीं बता पाऊँगा। सेंसर का काम है मतलब इसका कुछ लोकेशन इसके फिर थ्रोटल बॉडी को देना, इसकी कुछ जानकारियाँ थ्रोटल की मदद से थ्रोटल बॉडी को मिलती है। और बाकी एक सेंसर और होती है इधर, जो इसे भी लोग प्लग समझते हैं। शुरू में जब ये बाइक निकली थी, तो हमें कुछ आदमी कह रहे थे कि यार उसमें तो तीन तीन प्लग मैंने देखा है, विश्वास नहीं कर रहे थे हम। मुझे तो हंसी आ रहा था, क्योंकि मैं तो कुछ जान रहा था ना इसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे भी एक सेंसर के ऊपर लगा हुआ है, जो कि ऊपर एक प्लग है, नीचे भी एक पार्ट लगा हुआ है, तो ये भी एक सेंसर हुआ। यहाँ पर भी एयर की जो पोजिशन होती है, उसका जानकारी एक थ्रोटल बॉडी को देता है। तो अब आपको बता दें कि इसमें मतलब पेट्रोल टी क्यों नहीं है। पेट्रोल टी जो होता है इसमें, यहाँ पे पेट्रोल को बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, तो वो चीज़ अब ख़त्म कर दी गई है। जिसमें कार्बोरेटर होती है, उसी में वो लगाया जाता है, और जिसमें कार्बोरेटर नहीं है, उसमें नहीं लगाया जाता है। और इसमें कार्बोरेटर नहीं है दोस्तों, ये थ्रोटल बॉडी है, यहाँ पे पेट्रोल का काम कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो पेट्रोल का जो सप्लाई होती है, वो टैंकी से डायरेक्ट एक फ्यूल इंजेक्शन के ज़रिए से, ये यहाँ पर हेड पर लगा हुआ है फ्यूल इंजेक्शन, यहाँ पर यह फ्यूल इंजेक्शन इस जगह, और उसी के ज़रिए से डायरेक्ट हेड में पेट्रोल जाती है और बाइक चलती रहती है। और पहले की जो बाइक आती थी, उसमें आती थी पेट्रोल टी, इस जगह से पेट्रोल को हम कम बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम उसको चला सकते थे। तो वो चीज़ अब नहीं रहा, यहाँ पे पेट्रोल आके रुकता नहीं है, इसका डायरेक्ट पेट्रोल टैंकी से ज़रिए से फ्यूल इंजेक्शन की मदद से वो डायरेक्ट हेड में जाती है। तो ये सब कुछ नहीं है, अलग अलग फंडा है गाड़ी का। और भी बजाज गाड़ी में इस तरह का बाइक अभी निकल रहा है, कार्बोरेटर वाली बाइक अभी तो अभी भी मतलब बजाज वाले चला रहे हैं, बाकी हीरो हीरो वाले बंद कर दिए हैं इसे। तो बस हमें इतना ही बताना था। तो ये हालांकि ये जानकारी हमें पहले ही देना था दोस्तों, हमें लगा कि इस तरह की जानकारियाँ देना चाहिए, क्योंकि अभी भी लोगों के मन में ये सवाल उठती रहती है। तो आशा करता हूँ वीडियो से फ़ायदा हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।